हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट हॉरर गेम्स ऑफ ऑल टाइम। इस कैटेगरी में मैंने बहुत सारे गेम्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनमें से कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे और बाकी गेम्स मैं इसके आने वाले पार्ट्स में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका फ्रेंड MG। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। हमारा पहला गेम है 2017 में आया रेजिडेंट इविल 7 बायोहैजार्ड। वैसे तो रेजिडेंट इविल सीरीज के सभी गेम्स लोगों को खूब पसंद आए, जिससे ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट लवेबल सीरीज में से एक है। बट रेजिडेंट इविल 7 बायोहैजार्ड इस सीरीज को एक अलग लेवल पर लेके गया, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट पर्सन का ऑप्शन मिलेगा और जब आप इसे VR मोड में खेलोगे तो ये आपको खूब डराएगा, जो इसे एक ट्रू हॉरर गेम भी बनाता है। एक सीन है जिसे आपको याद रखना है और मिस नहीं करना, वो है जब आप बेकर फैमिली के साथ डिनर टेबल पे होगे और फिर वहाँ पे जो होगा वो मैं यहाँ बता के तो स्पॉइल नहीं करने वाला, बट ये गारंटी है कि इस सीरीज का आपको कुछ याद रहे या ना रहे, ये सीन आप नहीं भूलोगे। हमारा नेक्स्ट गेम है 2020 में आया द वॉकिंग डेड सेंट एंड सिनर्स। ये गेम भी फर्स्ट पर्सन VR गेम है जो मेनली स्टोरी पे फोकस्ड है, जिसमें प्लेयर्स की ली हुई चॉइसेस स्टोरी को आगे चलाती हैं। इस गेम में आपको ज़ॉम्बी से तो लड़ना ही है, साथ में आपको बाकी बचे हुए आपके जैसे सर्वाइवर्स से भी बचना है, क्योंकि उनमें से कई सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक हैं और इसीलिए गेम में आपके लिए हुए डिसीजंस की बहुत वैल्यू हो जाती है। जैसे जैसे स्टोरी में आप इन्वॉल्व होगे, ये गेम आपको खूब डराएगा बट आप गेम को नहीं छोड़ पाओगे। हमारा नेक्स्ट गेम है 2019 में आया रेजिडेंट इविल 2, जो बेसिकली रीमेक है 20 साल पहले आए रेजिडेंट इविल 2 का। नए आए RE2 ने ओरिजिनल गेम के फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इवन ये गेम इतना अच्छा रीमेक हुआ है कि इसने और नए प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट किया। गेम की चिलिंग स्टोरी सेम है ओरिजिनल गेम के, लेकिन कैपकॉम ने RE2 को अब ज्यादा मॉडर्न लुक दी है, साथ में ज्यादा एक्शन और ज्यादा डरावना बनाया है। गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल बढ़िया हैं और साउंड इफेक्ट भी काफी अच्छा है। हमारा नेक्स्ट गेम है 2019 में आया मेट्रो एक्सोडस, जिसके डेवलपर्स हैं 4A गेम्स। मेट्रो सीरीज एक सर्वाइवल हॉरर गेम्स की सीरीज है, जिसमें एपोकलिप्स के बाद की लाइफ दिखाई गई है। इस सीरीज में न्यूक्लियर वॉर के बाद हुई तबाही है, जिसमें इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और वॉर का कैरेक्टर इस न्यूक्लियर साइट से निकलना चाहता है और अब अपने लिए एक घर और शांति वाली जगह ढूंढ रहा है। मेट्रो सीरीज का तीसरा गेम है मेट्रो एक्सोडस, जिसमें म्यूटेंट्स, कैनिबल्स और मॉन्स्टर्स आपको मिलेंगे, बट गेम इतना इजी नहीं है क्योंकि गेम में एमओ आपको बहुत कम मिलेगी, जिससे मॉन्स्टर से फाइट करते हुए आपको हमेशा एमओ खत्म होने का डर रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको गैस मास्क के फिल्टर्स भी चाहिए होंगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये गेम आपको कई लेवल्स पे डराने वाला है। हमारा नेक्स्ट गेम है 2015 में आया ब्लडबॉर्न। ब्लडबॉर्न एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है और इस गेम में हॉरर की जड़ें बहुत गहरी हैं। ब्लडबॉर्न में आपको मिलेंगे बड़े बड़े स्पाइडर्स और अजीब से दिखने वाले कीड़े। गेम की स्टोरी एक डरावने सपने की तरह आपको लगेगी, जिसमें एनिमीज आपको हर टाइम डराने के लिए आते रहेंगे। और अगर बात करें गेम के ग्राफिक्स की, तो एनिमीज से निकलने वाले खून के फाउंटेन्स आपको जबरदस्त लगने वाले हैं। वैसे तो ये अजीब सी बात है, बट मुझे तो यही बहुत नोटिस हुए। अगर आपने इस गेम को खेला हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या नोटिस किया ब्लडबॉर्न में। तो फाइनली आज का हमारा लास्ट गेम है 2010 में आया एलन वेक, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर गेम है। एलन वेक में आप एलन के कैरेक्टर में खेलोगे, जो अपनी गायब हो चुकी वाइफ एलिस को ढूंढ रहा है। गेम की मिस्टीरियस स्टोरी के साथ साथ आपको जबरदस्त गेम प्ले मिलेगा और ये गेम एक कल्ट हिट था, जिसको देखते हुए रेमेडी का न्यूएस्ट गेम, जिसका नाम है कंट्रोल, वो एलन वेक जैसे सेम यूनिवर्स पर सेट है। इतना ही नहीं, रेमेडी एलन वेक के सीक्वल पर भी काम कर रहा है, तो अब नया आने वाला एलन वेक कितना जबरदस्त होगा ये तो टाइम ही बताएगा, पर तब तक आप इस 2010 में आए गेम को एक ट्राई दे सकते हो। ऑलराइट डूड एंड डॉल्स, ये थे बेस्ट हॉरर गेम्स पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में वीडियो चाहते हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ एंड प्ले हार्ड।